हेलो मेरे प्यारे भाइयों और साथियों, स्वागत है आपका फिल्म का जुनून चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं साल 1993 में बॉलीवुड के किस अभिनेता का झंडा लहराया था, यानी किस हीरो ने बॉलीवुड को अपनी फिल्मों से सबसे ज्यादा कमाई करके दिया और कमाई के मामले में नंबर वन पर रहे। यहीं पर मैं आपको बताता चलूं कि आज मैं जो भी फिल्मों की कमाई बताऊंगा वह दुनिया भर से कमाई की होगी, न कि सिर्फ इंडिया से। वही शुरू करते हैं आज का वीडियो। 11वें नंबर पर थे सलमान खान। इनकी एक फिल्म आई थी चंद्रमुखी। बजट इसका 2.35 करोड़ का था। फिल्म ने 1.70 करोड़ की कमाई की और फ्लॉप साबित हुई। दिल तेरा आशिक, बजट इसका 2.25 करोड़ था। फिल्म ने कमाई की 2.90 करोड़ की और फ्लॉप साबित हुई। तो देखा जाए इन सभी फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन हुआ था वह हो गया था 4.60 करोड़ का। इन्होंने इस साल एक भी हिट या सुपर हिट फिल्में नहीं दी। 10वें नंबर पर है अक्षय कुमार। इनकी फिल्म आई दिल की बाजी। बजट इसका 1.70 करोड़ का था। कमाई करती है 1.30 करोड़ की और डिजास्टर रहती है। कायदा कानून, बजट 1.70 करोड़, कमाई करती है 1.85 करोड़ की और एवरेज। वक्त हमारा है, बजट था 1.85 करोड़ का, कमाई करती है 1.92 करोड़ की और यह फिल्म भी एवरेज रहती है। सैनिक, बजट 1.40 करोड़ का, कमाई करती है 1.10 करोड़ की और यह भी फ्लॉप रहती है। आसान, बजट इसका 1 करोड़ का था, कमाई करती है 2.74 करोड़ की और यह फिल्म भी फ्लॉप रहती है। तो देखा जाए तो अक्षय कुमार ने भी इस साल एक भी हिट फिल्में नहीं की और इन फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन हो गया था वह हो गया था लगभग 9 करोड़ का। आमिर खान, इनकी इस साल 2 फिल्में आई थी। बात करते हैं परंपरा फिल्म की। बजट इसका 3.7 करोड़ का था, कमाई करती है 4 करोड़ की और यह फिल्म फ्लॉप हो जाती है। हम है राही प्यार की, बजट इसका 2.50 करोड़ था, कमाई करती है 9.80 करोड़ की और यह फिल्म सुपर हिट रहती है। देखा जाए तो आमिर खान ने इस साल एक सुपर हिट फिल्म की और इन फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन था वह हो गया था 13.80 करोड़ का। दोस्तों 8वें नंबर पर आते हैं अजय देवगन। इनकी इस साल कई फिल्में आई थी। बात करते हैं दिव्य शक्ति की। बजट इसका था 1.85 करोड़ का, कमाई करती है 2 करोड़ की और यह फिल्म फ्लॉप हो जाती है। प्लेटफॉर्म, बजट 1.85 करोड़ का था, कमाई की थी 1 करोड़ की और यह फिल्म भी डिजास्टर रही। संग्राम, बजट था 3.10 करोड़ का, कमाई करती है 4.20 करोड़ की और यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। शक्तिमान, बजट था 2.70 करोड़ का, कमाई की थी 4.50 करोड़ की और यह फिल्म एवरेज थी। दिल है बेताब, बजट था 2 करोड़ का, कमाई करती है 1.50 करोड़ की और यह फिल्म भी डिजास्टर रहती है। एक ही रास्ता, बजट था 2.36 करोड़ का, कमाई की थी 4.30 करोड़ की और यह फिल्म एवरेज थी। धनवान, बजट था 1.60 करोड़ का, कमाई की थी 2.61 करोड़ की और यह फिल्म डिजास्टर थी। बेदर्दी, बजट था 1.79 करोड़ का, कमाई की थी 5.39 करोड़ की और यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। देखा जाए तो इन फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन था वह था 25.50 करोड़ का। दोस्तों 7वें नंबर पर थे जितेंद्र साहब। इनकी भी इस साल कई फिल्में आई। बात करते हैं आदमी खिलौना है फिल्म की। बजट इसका 2.15 करोड़ था, कमाई की थी 4 करोड़ की और यह फिल्म एवरेज थी। आज की औरत, बजट था 1.98 करोड़ का, कमाई की 1.56 करोड़ की और यह फिल्म भी फ्लॉप रही। आंसू बने अंगारे, बजट था 2 करोड़ का, कमाई की थी 3 करोड़ की और यह फिल्म बिलो एवरेज रही। भूकंप, बजट था 1.95 करोड़ का, कमाई की 1.65 करोड़ की और यह फिल्म फ्लॉप रही। गीतांजलि, बजट था 1.20 करोड़ का, कमाई की 2.10 करोड़ की और यह बिलो एवरेज रही। प्रतीक्षा, बजट था इस फिल्म का 1.89 करोड़ का, कमाई की थी 2.89 करोड़ की और यह फिल्म एवरेज थी। खलनायिका, बजट था इस फिल्म का 1.90 करोड़ का, कमाई की 1.85 करोड़ की और यह फिल्म भी फ्लॉप रही। रंग, बजट था इस फिल्म का 1.43 करोड़ का, कमाई की 4.40 करोड़ की और यह फिल्म भी सुपरहिट रही। संतान, बजट था इस फिल्म का 2 करोड़ का, कमाई की 4 करोड़ की और यह फिल्म भी एवरेज रही। तहकीकात, बजट था इस फिल्म का 1 करोड़ का, कमाई की मात्र 3 करोड़ की और यह फिल्म एवरेज रही। तो देखा जाए तो जितेंद्र साहब ने इस साल एक सुपरहिट फिल्म की थी और इन फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन था वह था 28.45 करोड़ का। 6वें नंबर पर थे गोविंदा। इनकी भी इस साल कई फिल्में आई। बात करते हैं आदमी खिलौना है फिल्म की। बजट था इस फिल्म का 2.15 करोड़ का, कमाई की 4 करोड़ की और यह फिल्म एवरेज थी। इस साल इनकी सबसे बड़ी फिल्म आई थी आंखें। बजट था इसका 2 करोड़ का, कमाई की 18.84 करोड़ की और यह फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। भाग्यवान, बजट था इस फिल्म का 1 करोड़ का, कमाई की 4 करोड़ की और यह फिल्म सेमी हिट रही। मुकाबला, बजट इस फिल्म का 2 करोड़ का था, कमाई की थी 5.60 करोड़ की और यह फिल्म हिट साबित हुई।
प्रतीक्षा बजट फिल्म का 1.89 लाख का था, कमाई के लिए 2.89 लाख की और यह फिल्म एवरेज थी। जख्मों का हिस्सा बजट फिल्म का 1.80 लाख था, कमाई की थी 4.50 लाख की और यह फिल्म हिट साबित हुई। देखा जाए तो गोविंदा ने इस साल 2 हिट फिल्में की और 1 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म की। इन फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन हो गया था वह हो गया था 39.83 लाख का। दोस्तों पांचवें नंबर पर थे शाहरुख खान, इनकी साल 4 फिल्में आई थी। बात करते हैं किंग अंकल की। बजट इस फिल्म का 2.5 लाख का था, कमाई की थी 2.42 लाख की और यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। माया मेम साहब बजट था 1.95 लाख का, कमाई की 2.35 लाख की और यह फिल्म भी फ्लॉप रही। बाजीगर बजट था इस फिल्म का 2 करोड़ का, कमाई की थी 13.90 लाख की और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। डर बजट था इस फिल्म का 2.25 लाख का, कमाई की 21.21 लाख की और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी। देखा जाए तो इन्होंने इस साल 1 सुपरहिट फिल्म और 1 ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इन सभी फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन था वह हो गया था 39.87 लाख का। चौथे नंबर पर थे मिथुन चक्रवर्ती साहब, इनकी साल 10 फिल्में आई। बात करते हैं आदमी की। बजट था 2 करोड़ का, कमाई की 5 करोड़ की और एवरेज रही। दलाल बजट था 2.50 लाख का, कमाई की 11 करोड़ की और यह फिल्म भी हिट रही। किशन अवतार बजट था 1.40 लाख का, कमाई की 2 करोड़ की और यह फिल्म फ्लॉप रही। मेहरबान बजट था इस फिल्म का 1.40 लाख का, कमाई की 4.50 लाख की और यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई। फूल और अंगार बजट था 2 करोड़ का, कमाई की 5 करोड़ की और यह फिल्म एवरेज रही। शतरंज बजट था 1.50 लाख का, कमाई की 3.20 लाख की और यह फिल्म बिलो एवरेज रही। तड़ी पार बजट था इस फिल्म का 1.20 लाख का, कमाई की 3 करोड़ की और यह फिल्म बिलो एवरेज रही। युगांधर बजट था इस फिल्म का 1.15 लाख का, कमाई की 2.50 लाख की और यह फिल्म बिलो एवरेज रही। जीवन की शतरंज बजट इस फिल्म का 1.50 लाख का था, कमाई की 2.50 लाख की और यह फिल्म भी फ्लॉप रही। परदेसी बजट था इसका 2 करोड़ का, कमाई की 2.50 लाख की और यह फिल्म भी फ्लॉप रही। देखा जाए तो मिथुन चक्रवर्ती साहब ने सिर्फ 1 हिट फिल्में दी और इन सभी का जो टोटल कलेक्शन हो गया था वह मिला के हुआ था 41.20 लाख का। दोस्तों तीसरे नंबर पर थे संजय दत्त, इनकी साल 4 फिल्में आई थी। बात करते हैं गुमराह फिल्म की। बजट था 3.30 लाख का, कमाई करती है 8 करोड़ की और सेमी हिट रहती है। इस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली इनकी फिल्म थी वह थी खलनायक। बजट था इसका 5 करोड़ का, कमाई की 22 करोड़ की और ब्लॉकबस्टर बनी। क्षत्रिय बजट था 5 करोड़ का, कमाई की 8 करोड़ की और यह फिल्म भी एवरेज रही। साइबान बजट था 1.48 लाख का, कमाई की 3.70 लाख की और यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई। दोस्तों देखा जाए तो संजय दत्त साहब ने इस साल 1 ब्लॉकबस्टर फिल्म की थी और इन सभी फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन हुआ वह हो गया था 41.70 लाख का। दोस्तों दूसरे नंबर पर थे जैकी श्रॉफ, इनकी साल 7 फिल्में आई थी। बाइना फिल्म की बजट था 1.90 लाख का, कमाई होती है 7 करोड़ की और हिट साबित होती है। गर्दी बजट था 2.70 लाख का, कमाई की 7.39 लाख की और यह फिल्म भी हिट रही। हस्ती बजट था 2 करोड़ का, कमाई की 1.85 लाख की और यह फिल्म फ्लॉप साबित हुई। खलनायक बजट था इस फिल्म का 5 करोड़ का, कमाई की 22 करोड़ की, यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर बनी। किंग अंकल बजट था इस फिल्म का 2.5 लाख का, कमाई की 2.40 लाख की, यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। रूप की रानी चोरों का राजा या इस साल की सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म थी। बजट था इसका लगभग 9 करोड़ का, कमाई की 3 करोड़ की, फिल्म डिजास्टर साबित हुई। शतरंज बजट था इसका 2 करोड़ का, कमाई करती है 6 करोड़ की, या फिल्म सेमी हिट रहती है। देखा जाए तो जैकी श्रॉफ ने 2 हिट फिल्म और 1 ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी और इन सभी फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन था वह था 49.64 लाख का। दोस्तों इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जो फिल्में थी वह थी सनी देओल की। बात करते हैं पहले डर फिल्म की। बजट था इसका 3.25 लाख का, कमाई करती है 21.21 लाख की और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर बनती है। बात करते हैं दामिनी फिल्म की। बजट था 2.50 लाख का, कमाई हुई थी 11.40 लाख की और यह फिल्म हिट साबित हुई। गुनाह बजट था 2.65 लाख का, कमाई होती है 4.70 लाख की और यह फिल्म एवरेज रहती है। क्षत्रिय बजट था इसका 5 करोड़ का, कमाई की 8 करोड़ की, यह फिल्म एवरेज रही। लुटेरे बजट था इसका 2.40 लाख का, कमाई होती है 9 करोड़ की और यह फिल्म भी हिट रहती है। वीरता बजट था इसका 1.80 लाख का, कमाई करती है 3.40 लाख की और यह फिल्म भी एवरेज रहती है। इज्जत की रोटी बजट था इसका 1.90 लाख का, कमाई करती है मात्र 1.35 लाख की और फिल्म डिजास्टर होती है। देखा जाए तो सनी देओल साहब ने इस साल 2 हिट फिल्में की और 1 ब्लॉकबस्टर फिल्म की और इन सभी फिल्मों का जो टोटल कलेक्शन था वह था 59.6 लाख का।
तो दोस्तों 1993 में नंबर 1 की अभिनेता थे सनी देओल।